अभी इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा ये वाला रील्स ट्रेंडिंग में दिख रहा है। अगर आप लोग भी इस तरीके के रील्स को एडिट करना चाहते हो तो आप लोग सिंपल इजी ट्रिक में इस तरीके के रील्स को क्रिएट कर सकते हो। सो आपको इस रील्स को क्रिएट करने के लिए VN ऐप को डाउनलोड करना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। उसके बाद इस ऐप को ओपन करना है। इस ऐप को ओपन करने के बाद आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, देन न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे साइड में एक फ़ोटो का सेक्शन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपको जो भी फ़ोटो एडिटिंग करना है उस फ़ोटो को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मैं यहाँ से एक फ़ोटो सेलेक्ट करके नीचे एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया हूँ। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। सो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको 9:16 का रेशियो, जिस पर टिकटॉक का सिंबल दिख रहा है, आपको ये वाला सेलेक्ट कर लेना है। देन अब आपको चलना है वीडियो के एंड में। अब आपको यहाँ पे एक इनपुट टाइटल एक्स्ट्रा पार्ट दिखता है, इसको हम लोग क्लिक करके डिलीट कर देंगे। अब हम लोग इसमें सबसे पहले म्यूजिक ऐड करेंगे। म्यूजिक ऐड करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रील्स का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग उस रील्स को जाकर डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, म्यूजिक पे क्लिक करना है, आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। देन आपको एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पे क्लिक करना है। अब आपने जो रील्स डाउनलोड किया था उस रील्स को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैंने सेलेक्ट कर लिया। देन आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सो अब आपको यहाँ पे चूज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस म्यूजिक को यहाँ पे ऐड कर लेना है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सो हम लोग पहले यहाँ से अपनी इस फ़ोटो का लेंथ जो है वो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि मेरे म्यूजिक का जो लेंथ है वो ज़्यादा बड़ा है। सो हम लोग अपने म्यूजिक के साइज़ में अपने फ़ोटो को भी यहाँ पे क्रॉप कर लिए हैं। अब आपको फिर से म्यूजिक पे क्लिक करना है। म्यूजिक पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक बीट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। देन अब आपको यहाँ पे बीट ऐड करना है। बीट यहाँ पे आपको फर्स्ट बीट जो है 1.85 सेकंड पे ऐड करना है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड आपको यहाँ पे सेकंड बीट जो है आपको 4.25 सेकंड पे ऐड करना है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको बीट ऐड नहीं करने आता है तो आपको यहाँ पे सबसे पहले 1.85 सेकंड पे आना है और आपको इस झंडे पे क्लिक कर देना, आपका एक बीट ऐड हो जाएगा। देन आपको सेकंड पे आना है और आपको इसी तरीके से यहाँ से बीट को ऐड कर लेना है इस टाइमिंग पे। अब बीट ऐड करने के बाद आपको इसको ओके कर देना है। अब सबसे पहले हम लोग फर्स्ट बीट पे आएंगे। फर्स्ट बीट पे आने के बाद हम लोग अपने फ़ोटो को यहाँ से कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम लोग चलते हैं अपने सेकेंड बीट पे। सेकेंड बीट पे आने के बाद हम लोग यहाँ से अपने फ़ोटो को कट कर लेंगे। देन हमारा फ़ोटो यहाँ पे तीन भाग में यहाँ पे कट हो चुका है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। अब सबसे फर्स्ट भाग को हमको कुछ नहीं करना, हमको यहाँ पे सेकेंड पार्ट में आ जाना है। देन सेकेंड पार्ट में आने के बाद आपको इस इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इसको यहाँ से स्लाइड करना है। देन स्लाइड करने के बाद आपको यहां से एक जूम आउट करके एक ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपको इसको स्टार्टिंग में ले जाना है। देन आपको यहां पे जितना ये लंबा हो पे उतना कर देना है और आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये करने के बाद अब आपको आ जाना है थर्ड फ़ोटो पे। थर्ड फ़ोटो पे आने के बाद अब आपको इफेक्ट्स पे फिर से क्लिक करना है। देन आपको इसको फिर से स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद आपको यहाँ पर एक जीटर लेफ्ट करके ऑप्शन दिखता है, आपको ये वाला सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको इसी तरीके से इसको भी स्टार्टिंग में लाना है एंड आपको एंड में ये जहाँ तक जा पाए वहाँ तक आपको लेके जाना है। देन आपको टिक पे क्लिक कर देना है। अब हमारा फ़ोटो यहाँ पे थोड़ा बहुत एडिटिंग हो चुका है, बट हम लोग इसमें कुछ अच्छा दिखने के लिए यहाँ पर कुछ और एडिटिंग कर लेते हैं। सो अब आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। देन अब आपको यहाँ से जूम इन वाला ऑप्शन या फिर जूम वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। अब हम लोग इस फोटो पे आ जाएंगे, इस प्लस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ से भी जूम वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। देन सेलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। अब हमारा एडिटिंग जो है वो 90% हो चुका है। सो अब हमको इसमें टेक्स्ट ऐड करना है, उसके लिए हमको यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद अब आपको यहाँ से दो बार क्लिक करना है। देन अब आपको यहाँ पे लिखना है 8 साल, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 8 साल पुरानी, आपको ये लिखना है। उसके बाद आपको ये वाला इमोजी सेलेक्ट करना है अपने इमोजी बॉक्स में जाकर। इमोजी बॉक्स में आप लोग जाओगे तो आपको ये वाला इमोजी मिल जाएगा,
उसके बाद आपको ये वाला इमोजी सेलेक्ट करना है, देन आपको ये वाला इमोजी सेलेक्ट करना है। उसके बाद अब आपको इसको थोड़ा यहाँ से इसका साइज बड़ा कर लेना है कुछ इस तरीके से। ये करने के बाद अब आपको करना क्या है, सो अब आपको यहाँ पे इसको बैक करना है और आपको यहाँ पे टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन अब आपको फिर से इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे इस पर आ जाना है। इसके बाद अब आपको इसको यहाँ से थोड़ा स्लाइड करना है। देन स्लाइड करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक बबल्स करके ऑप्शन दिख रहा है, आपको ये वाला सेलेक्ट करना है। देन अब आपको यहाँ पे कलर भी यहाँ पे सेलेक्ट आप लोग कर सकते हो अपने मर्जी से, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सो कुछ इस तरीके की कलर यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। देन आप लोग यहाँ पे इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, जैसा चाहो वैसा फॉन्ट आप लोग यहाँ पे इसका डाल सकते हो कुछ इस तरीके से। देन अब आपको यहाँ पे टिक पे क्लिक करना है। क्लिक जैसे करोगे आप लोग इसको यहाँ से बड़ा करके इसको बीच में ऐड कर लोगे। बीच में ऐड करने के बाद अब आपको यहाँ पे इसको पूरे एंड में ले जाना है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सो अब आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ये वीडियो जो है वो हमारा पूरे अच्छे तरीके से एडिटिंग हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है। अब इस वीडियो को गैलरी में लेके जाने के लिए आपको ऊपर एक्सपर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग एक्सपर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ये 100% हो जाएगा, तो ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा।